बता ही नहीं सकती कैसा फीलिंग था। और मुझे सच में लग रहा था जो गाने में मैंने बोला कि जगन्नाथ हो मु जदि तम झियो हुअंती, तो मते सेते बेले लागुथिला कि मु सत्तरे जगन्नाथ जी को मतलब जगन्नाथ महाप्रभु को झियो हो जाइछि, क्योंकि ओडिशा वासी ने और श्रीक्षेत्र धाम वासियों ने जगन्नाथ महाप्रभु ने इतना मुझे प्यार दिया उस भजन के बाद। स्पेशली जब मैं गई थी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो मैं बता नहीं सकती, मुझे लगा कि हाँ जगन्नाथ जी ने सच में मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्योंकि डायरेक्ट तो भगवान हमारे पास नहीं आते, भक्तों के माध्यम से आते हैं या अपने लीलाओं के माध्यम से। और वो चीज मैंने फील किया कि हाँ मैंने जगन्नाथ जी से बोला कि मैं आपका बेटी बनना चाहती हूँ, और जगन्नाथ जी ने वो जो मेरा निवेदन है, मेरा जो रिक्वेस्ट है, उसको स्वीकार कर लिया, और जगन्नाथ जी ने अपनी बेटी के रूप में भी मुझे स्वीकार कर लिया। जबकि मेरे में एक्चुअली कोई योग्यता नहीं है, ना मैं भक्त हूँ, ना मैं कुछ हूँ, ना मैं धामवासी हूँ, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी ने अपने पास कृपा करके मुझे बुलाया, उनका दर्शन दिया। उनका दर्शन मिलना ही कितने जन्मों का सौभाग्य है कि उनका दर्शन, कितने सारे मुनि ऋषि तपस्वी देवताएं तपस्या करते हैं जगन्नाथ जी का एक झलक दर्शन पाने के लिए। तो उस महाप्रभु का जो पूरे जगत का नाथ है, उनका जो मैंने दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद जो लगा उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। उसमें तो आंखों से आंसू अपने आप अंदर से आ जाते हैं। Thank you.